बहुत परेशान था, मतलब घर परिवार की वजह से। अच्छा, तो इसी दौरान क्या हुआ, मैं मेरा बेटा जब आ रहा था वहाँ से, तो 1:30 बजे इसकी शायद नींद आ गई, इसको थक गया था। बाकी जो दोस्त थे उनको रास्ते में छोड़ दिया वहाँ से, और फिर वापस अकेला आ रहा था। और जब इसने पेड़ से ज़्यादा नीचे लेके गया तो गाड़ी गड्ढे में गई, गड्ढे में गाड़ी 3 चक राउंड लिए उसने, चेस वगैरह सब टूट गया, इंजन वगैरह सब टूट गया, और गाड़ी ऐसी थी। मैं खुद पहुंचा वहां पे जब, अब उसी दौरान मेरा व्रत भी चल रहा था, जिसमें मैंने 40 दिन जो सतवार पाठ करे कोई छूटे बंद महास कोई, तो मैं 40 दिन का ये व्रत किया था, और मैं 100 बार हनुमान चालीसा करता था डेली 40 दिन तक, जिसमें मैंने ब्रह्मचार्य प्लस अपना खाना पीना जो था वो सादा, और बाल काटना नहीं, नाखून नहीं काटना, दाढ़ी वगैरह सब कुछ। आपका जो विश्वास है प्रभु पे, और आप किसी को गाइड भी कर रहे हैं ना उस विश्वास से कि नहीं प्रभु है, आप ये करें, आपने थोड़ी कोई गलत चीज कही किसी ने, आपने भी सरल भक्ति का ही मार्ग कहा, सात्विक कैसा रहना है, प्रभु पर विश्वास कैसे रखें, ये पाठ करें, ये मंत्र जप करें, तो प्रभु ने आपके विश्वास की लाज रखी, उन्होंने एक भक्त के विश्वास की लाज रखी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें, मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार सर, जय श्री राम आपको। जय श्री राम आपको। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल सर ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम विजेंद्र सिंह तेबतिया है और मैं भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं आर्मी से रिटायर हूँ, जो अभी सिविल में भी अपनी सेवा दे रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर। और सर, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है, ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड पर जुड़े, नित्य कौन से पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने जो भी अनुभव है उन्हें डिटेल में साझा कर सकते हैं, जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपके अनुभव है आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जिंदगी में बालाजी से जुड़े हुए मेरे काफी अनुभव हैं, जिनको मैं आपसे अपनी शेयर करूंगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हनुमान जी हैं उनसे मैं पहले भी जुड़ा हुआ था, लेकिन मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि हनुमान जी की ये शक्ति मुझे इस हर चीज के लिए आगाह कर सकती है और निडर बना सकती है, इतना मुझे पता नहीं था। लेकिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, और जब पढ़ाई के टाइम पर भी मैं ये जाप करता था, व्रत भी करता था, बीच में छूट भी जाता था, फिर चालू हो जाता था। मंदिर में जाना, वहां पर हनुमान चालीसा में अभी भी, अब तो खैर माया दूसरी है, अब तो उनकी प्रभु की ही कृपा है जो सब कुछ ज्ञान हो चुका है, लेकिन पहले मुझे कोई ज्ञान नहीं था। और इसी दौरान जब मैं ये अपना हनुमान जी का जो पाठ करता था और ड्यूटी कर रहा था, मैं उस टाइम पे ले में था, और ये बात है 2007-08 की, जब यहाँ से घर से छुट्टी काट करके वापस मैंने रिजॉइन किया और मुझे क्लाइमेटेशन में रखा हुआ था, तो मुझे बुखार आया और मैं हनुमान जी की पूजा वहां पर भी करता था। अपने बिस्तर के पास एक छोटी सी मूर्ति थी और उसमें मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था और सेवा करता था उनकी जितना मेरे से हो जाता था, क्योंकि ज्यादा तो टाइम नहीं दे पाता था। और इतना मुझे नहीं पता था कि हमको ये जो हम जो बोलते हैं जिस तरह से, तो ये सब कुछ बालाजी कर सकते हैं, ये कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि किसी ने बताया नहीं इस बात का। लेकिन अपने इतना ज्ञान था कि देवी देवता जो होते हैं हमारे, हम जिसकी भी पूजा करेंगे, आप दिल से करोगे तो आपको जरूर वो आपको देंगे और आपका भला ही करेंगे। तो इस में मैं बीमार हुआ और जो हमारा छोटा हॉस्पिटल है उसने मुझे रेफर कर दिया बड़े हॉस्पिटल के लिए कि आप जाएं अपने बुखार को चेक कराएं कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैं किसी वाहन से अपने यहाँ से लोकेशन से गया और हॉस्पिटल करीबन 7-8 किलोमीटर था वहां से, तो मैं वापस जब वहां से चेकअप वगैरह जो भी था मेरा वो मेडिसिन वगैरह लेकर के जब मैं वापस आ रहा था, तो बीच में एक वाहन मिला मुझे आधे रास्ते तक, जिसने मुझे छोड़ दिया चौराहे पर और बोला कि आप यहाँ से अपनी लोकेशन के लिए जा सकते हैं।
तो मैं बोला ठीक है, मैं खड़ा हो गया। तो अचानक मेरी जो तबीयत है वो खराब होने लगी, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ विचलित हो रहा था। और मेरा एक साथी था वो वहां पे आया नहीं था, तब तक मैं अकेला था। जब खराब हो रही थी मैं सोच रहा था यार तबीयत कुछ खराब हो रही है, यहाँ पे तो कोई है भी नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे एक साथी आया वहां पे, और मैंने प्रभु से ये बोला कि अब तो भगवान तुम ही है, जो कुछ हो सकता है बाकी यहाँ कोई नहीं है। तो वो आ गया मेरे पास, इतना जब हुआ तो 2-4-5 मिनट के अंदर ही वो वहां पे आया, जितना ज्यादा मेरा तबीयत खराब नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला सर आप, मैं बोला यार एमएच अपना हॉस्पिटल जाके आया हूँ और अभी जा रहा हूँ लोकेशन में, तो सर मैं भी चल रहा हूँ। ठीक है चलिए। तो मेरी तबीयत मतलब सांस रुकने लगा, सांस इतना रुकने लगा कि मैं रुक उसको कोशिश कर रहा हूँ लेने की, धुकना शुरू हो गया मेरा इस तरह से, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सांस आए। तो उसने देखा, लड़के ने बोला सर आप तो मर जाओगे इस तरह से, अभी है भी नहीं। तो उसने चारों तरफ नजर फैलाई, देखा तो मैं बोला यार कुछ साधन हो तो देख लो, इतना मतलब बोल भी नहीं पा रहा था, वही खुद ही बोला मेरे से। तो तुरंत वहां पर एक लीला उस ऊपर वाले की प्रभु की कृपा से ये गाड़ी तुरंत बैन है, आज मुझे याद है जैसे कि बैन आई। और उसमें एक लड़का था जिस जो चला रहा था ड्राइवर, उसने बोला उसको उसने रोका आकर के, जबकि हमारा कोई मतलब नहीं था, उसने हाथ दिया लड़के ने और रोका, बोला ये सर हमारे बीमार है और इनको पहुंचा। बोला ठीक है बैठाइए आप, और किराए भाड़े का जो भी होगा वो देख लेंगे, अब बैठी। तो उसने साहब लड़का जो साथ साथ वाला था बोला ये दम इनकी निकली जा रही है, आप जितना दौड़ा सकते हो उसको दौड़ाइए और लोकेशन में पहुंचाइए जाके। तो वो भगाने लगा उसको गाड़ी को, और मतलब इतना कि मेरी दम नहीं निकली थी उस टाइम पर वो उसने मुझे पहुंचा दिया वहां पे। और जैसे मुझे जल्दी उतार करके और हॉस्पिटल में, छोटे हॉस्पिटल में जो हमारे लोकेशन में था उसी में लिटाया और ऑक्सीजन लगाया मुझे। तो तकरीबन ऑक्सीजन आधा घंटा पौन घंटा मुझे ऑक्सीजन लगी रही, और रियलाइज हुआ मुझे मेरी बॉडी को काफी ये मतलब रिलैक्स हुआ, और मैं लगभग मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। तो मैंने उस टाइम पर इस बात को गौर तो नहीं किया था, लेकिन मुझे बाद में ये महसूस हुआ कि कोई है जो जिसने जिस व्यक्ति ने मुझे पहुंचाया और मेरे प्राण जो बच गए, तो हो सकता है शायद उन्हीं की मेहरबानी हो, क्योंकि उन्हीं की मैं पूजा करता था। लेकिन इतना मुझे, मैंने आपको फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इतना मुझे ज्ञान नहीं था, पर उस टाइम पर मुझे जरूर ज्ञान हो गया, और आज तो बहुत अच्छी तरह से ज्ञान है कि जब भी मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ अपने साथियों के लिए। तब क्या हुआ कि वहां से फिर मैं सही हो गया, ये मेरा एक लाइफ का फर्स्ट अनुभव था वहां पे, मेरी मतलब जिंदगी में उभर के वापस आया, ये मेरा पहला अनुभव रहा। तो दूसरा अनुभव जो है मैं आपको बताऊंगा कि मैं विदेश जाने के लिए, वहीं ले से ही मुझे विदेश जाना था, और मैं उससे पहले दिल्ली में आया था। तो वहां से हमारे यहाँ से विदेश जाने के लिए जो आर्मी जाती है उसमें ड्रेस पहन पहन करके वहां पर के जो किट वगैरह सब मिलता है, तो विदेश के लिए उड़ान भरने के लिए मैं एयरपोर्ट पे था, क्योंकि लोग मेरा जो इक्विपमेंट था वो एयरबोर्न था। तो मैं उस पर जब काम कर रहा था तो मेरे साथ वाले वो जा रहे थे, तो मैं उनको मिला, तो वो इक्विपमेंट दूसरा था वहां पे, और मैं जिस पे काम कर रहा था पहले मैंने उस पे काम किया और इस पे अभी मैं कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि मैंने सोचा यार हमारा तो नाम इसमें आ नहीं सकता, लेकिन अगर प्रभु की कृपा होगी तो हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन अभी कोई आसार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मैं जिस इक्विपमेंट पे काम कर रहा था वो इक्विपमेंट विदेश में नहीं था। तो फिर भी मैं वहां से, हमारा 2 महीने का, 1 महीने का जो टर्न ओवर था वो पूरा हुआ और मैं वापिस ले चला गया। ले जाने के बाद में मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, अचानक मेरे एक साथी ने बोला कि आपका विदेश जाने के लिए रिकॉर्ड से लेटर आया है। मैं क्या बकवास कर रहा है यार, कहाँ से आ जाएगा, मैं तो इसमें इस इक्विपमेंट में काम कर रहा हूँ, उसको तो छोड़े 5 साल हो गया, अभी तो मुझे अनुभव भी नहीं है उसका। बोला नहीं आया है। मैंने कहा नहीं है तो आप ऐसे ही बोल रहे हो, सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो बोला नहीं नहीं आप देख लेना। तो मैं गया ऑफिस में, तो ऑफिस में जाकर के जब मैंने लेटर को पूछा कि भाई क्लर्क से, बोला साहब कोई लेटर आया है ऐसा जो रिकॉर्ड से मेरा नाम आया हो? बोला हाँ साहब आपका लेटर आया है और आपने विदेश के लिए जाना है। तो मैं बोला चलो ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने फिर रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन वो जो मेरे साहब थे उन्होंने बोला आप चले जाओगे तो फिर यहाँ कैसे होगा, काम लेगा, मैन पावर कम है। मैंने बोला सर ये तो लेटर आया है, अभी आपकी मर्जी है। तो मेरा एक साहब आया था, मुझे आज भी याद है, बड़ा वहां से बेंगलोर से फ्लाइट से, और वहां उसका भी वो भी क्लाइमेटेशन में थे। तो मैंने जाकर के उनको बताया, मैंने सर ऐसे ऐसे बात है। बोला नहीं आपको कोई नहीं रोकेगा, रोक ही नहीं सकते आप, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड से लेटर है।
आपको जाना ही पड़ेगा। मैं बोला सर मैं ले से जाऊंगा तो वहाँ रनिंग वगैरह होगा, जो भी कुछ होगा फिजिकल होगा, फिर टेस्ट भी होगा, तो मैं फिजिकल कर नहीं पाऊंगा दिल्ली में, तो आप मुझे छुट्टी दें 10 दिन। बोला ठीक है आप छुट्टी के साथ जाइए। तो मेरी मेहरबानी, तो बड़ा अचंभा मैंने ये मतलब गौर किया। मैंने कहा मैं प्रभु से ये भी कहा था, मैं बोला मैं वहां से वापिस आऊंगा अगर मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैं गया, सिलेक्शन अभी हुआ नहीं है, मैं बोला गया तो मैं जरूर आकर के आपकी सवामनी करूंगा, और ऐसा बोला मैंने। तो मैं वहां से आ गया, घर आया, घर मैंने 10-5 दिन जितना भी मेरे सोचा था स्टडी किया, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे पहले जो इस पर मैं काम करता था, मैंने पढ़ाई किया और मैं दिल्ली जा करके रिपोर्ट कर दिया। तो वहाँ फिजिकल मेडिकल जो भी होता है टेस्ट हुआ उसमें साहब, तो एक दिन पहली बात है जब रिजल्ट आने वाला था, तो मेरा एक साथी है वो आज मैं उसको याद करता हूँ, उन्होंने बोला आपने चलना है। मैं बोला अब ये तो ऊपर वाला ही जाने, अब पता नहीं चलना है नहीं चलना है, सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेक्शन था 30% पे, 9 आदमी थे उसमें 3 आदमी को जाना था विदेश के लिए, और वो आए हुए थे, 10वां वो भी था। मैं बोला अगर किस्मत में होगा तो चलेंगे, नहीं तो यहाँ तो है ही। तो बोला नहीं नहीं 100% बोला आपने चलना है। वो मेरा सीनियर था, वहां पर भी गया था, वो सीनियर था। तो मैं बोला के पास करूंगा पूरी, बोला फुल कोशिश लगा दो पूरी चलेंगे। मैं बोला ठीक है सर। तो दूसरे दिन हमारा इंटरव्यू था लास्ट, जो 20 नंबर का था, और बाकी में मेरे फिजिकल में फुल थे, 35 का था उसमें फुल थे, और 45 का था उसमें भी अच्छे नंबर थे, जो रिटर्न में था उसमें 2-3 नंबर कटे थे, उसका रिजल्ट भी आ गया, मुझे पता चल गया। तो 20 नंबर का जो है, 15-20 नंबर का जो बचा हुआ था रिजल्ट, उसमें मैं जैसे आपके सामने बैठा हूँ ऐसे ही जा करके अपना बैठा, उनको बोला और मैंने अपना अपना क्या बोलते हैं इंटरव्यू दिया, और मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। और मैं वहां से फ्लाइट में मतलब करीबन 5-6 महीने लगते हैं इस प्रोसेस में, तो फिर हम गए वहां से, मैं करीबन 7-8 महीने रहा विदेश में, वापस आया, और मैं प्रभु का ही वो मानता हूँ, हम सही सलामत वहां से सब की सब पूरे, क्योंकि वहां पर भी मंदिर प्रोग्राम हमारा होता था, मैं मुझे याद है मंदिर प्रोग्राम हमारा होता था, और हम उसमें सभी जाते थे, क्योंकि वहां पर और कोई कहीं इधर उधर मीटिंग नहीं था, जाके पक्का 2-1 घंटा सभी जा करके भगवान का, प्रभु का, भोले जी का, जो भी जिसका वो था, सबका भजन गाते थे। आज भी मुझे याद है आदमी थे IV पटेल, मैं आपको नाम बता रहा हूँ उनका, वो काफी भक्त था, उनके साथ मैं भी ये करता था। फिर वहां से चीज वगैरह उन्होंने बोला परवार ने की सवामनी अभी जयंती है, और मैं 2 मार्च को या 3 मार्च को 3 अप्रैल को वहां से आया था, 31 मार्च को मैंने प्रभु के नाम से जो बोला था मैंने, वो भी वादा पूरा हो गया, और मुझे बड़ी खुशी हुई। ये मेरा दूसरा अनुभव है जिंदगी का जो पास ही हुआ, नहीं तो मुझे कोई आशा नहीं थी। और ये आपने मतलब प्रभु आपकी सरल भक्ति से प्रसन्न हो गए, क्योंकि आप भाव से जुड़े थे, दिल से प्रार्थना करते थे। यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी है, एक चीज जाननी है, जैसे आप अपनी सेवा में थे, जब आप सेवा दे रहे थे इंडियन आर्मी में, और आपने कहा मैंने अपने बेड के पास प्रभु की छवि वगैरह, जैसे आपने कहा ना मैं पूजा पाठ अपने से जो होती थी करता था, तो आपकी दिनचर्या क्या थी, आप नित्य कौन से पाठ करते थे, किस तरह की मतलब आपकी दिनचर्या थी पूजा पाठ में, आप अपनी सेवा के साथ किस तरह वो फॉलो करते थे, प्लीज बताएं, हम उत्सुक हैं। उसमें क्या था कि जैसे हम सुबह 4-4:30 बजे हमने डेली जगना था, उसके बाद अपना फ्रेश वगैरह हो करके, क्योंकि हमें 5-5:30 बजे अपना जो रूटीन होता है फिजिकल वगैरह का वो उसमें जाना है, तो उससे पहले ही जो कुछ करना था वो नहाना धोना अपना करके, और मैं खड़े होकर के मोमबत्ती अगरबत्ती वगैरह लगा करके, और मैं पूजा करता था जिसमें हनुमान चालीसा होता था और संकट मोचन होता था और आरती अष्ट और हनुमान बाण नहीं बोलता था, क्योंकि उसमें वो प्रतिबंधित है, अच्छा नहीं है, क्योंकि जब आप व्यवहारिक विपत्ति में हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं इस तरह से डेली का था मेरा लगभग, और मैं व्रत भी करता था, घर पे व्रत भी करता था, लेकिन व्रत क्या है बीच बीच में हट जाता था क्योंकि ड्यूटी पे नहीं हो पाता था, लेकिन मैं कर कोशिश, और आज तक भी मुझे उस तरह का है कि मैं व्रत करने की, अभी भी मैं व्रत करता हूँ, ड्यूटी पे जाता हूँ और एक टाइम अपना खाना, हो सकता है मैं भोग वगैरह जितना भी है वो नॉर्मल वैसे करता हूँ, लेकिन प्रभु को नाम करके चाहे मैं सोते वक्त और जगते वक्त हनुमान चालीसा पढ़ के ही और सोना है,
ये मेरा वो है। और एक धन्यवाद बताने के लिए, हम वही उत्सुकता थी क्योंकि आपने जिस तरह शुरुआत की जर्नी, वैसे तो आपकी दिनचर्या, जैसे आपकी लाइफ, जैसे आपने कहा आपने इंडियन आर्मी में बिताई और पहले कृपा तो हो रही थी मगर वो इतना ज्ञान नहीं था कि प्रभु किस तरह सहायता कर रहे थे, मगर जो आपकी सरल भक्ति थी, आप भाव से प्रार्थना करते थे और वे हर कदम पर वो आपकी प्रार्थना को सुन रहे थे। जैसे पहले वो हेल्थ के रिलेटेड आपको तकलीफ आई ले में, जब आप ड्यूटी पे थे, प्रभु किसी ना किसी रूप में आके किसी के माध्यम से आपकी उन्होंने सहायता की। फिर दूसरी बार आपको विदेश जाना था, एक इच्छा थी, तो प्रभु को लगा वो आपके लिए उचित था, तो उन्होंने वो इच्छा भी आपकी पूरी की जो असंभव सी लग रही थी आपको, जरा भी आपको लगा कि कैसे होगा, क्या होगा, अनुभव परसेंट भी चांस नहीं था। अगर असंभव को संभव यही कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे प्रभु के दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन है बागेश्वर बालाजी के, सभी भक्तजन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर छवि है प्रभु की उसके लिए। प्लीज कंटिन्यू करें अपने अगले अनुभव में। तीसरा मेरा अनुभव है जयेश भाई, मैं मेरे भाई बेटे हैं जो यहाँ से टूर पे गए थे और पर्सनल अपनी गाड़ी लेके गए थे यहाँ से, और इनके साथ ही थे 3-4 जो हरिद्वार वगैरह घूमने के लिए, जोशीमठ और ये लक्ष्मण झूला वगैरह घूम करके 3-4 दिन हो गए थे। तो जब ये वापस वहां से आ रहा था तो इसको रात हो गई थी जहाँ से, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, और 1:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं अभी भी, अब तो मैं इतनी करता हूँ कि क्योंकि 2013 के बाद तो मैं प्रभु से इतना जुड़ गया कि बिना उनके मैं अगर जब तक नाम नहीं लेता, मुझे मेरे बच्चे भी जानते इस बात को, और मेरे बच्चे भी जुड़ चुके हैं जो अंडे खाते थे। अभी एक छोटा बेटा है वो डॉक्टरी कर रहा है दिल्ली से, वो अंडा भी छोड़ दिया उसने, और मैंने किसी को नहीं बोला कि तुम छोड़ो ना, मैं तो बस प्रभु से, क्योंकि मीट मांस मदरा और लहसुन प्याज भी मैं नहीं खाता, और मुझे ये लहसुन प्याज छोड़े हुए तो 20 जून 2023 से, जब मैं बागेश्वर धाम पहली बार गया था मेरे परिवार को लेके, उस डॉक्टर को भी लेके गया था, उसमें मैं काफी परेशान था, और परेशान था मतलब घर परिवार की वजह से। अच्छा, तो इसी दौरान क्या हुआ, मैं मेरा बेटा जब आ रहा था वहां से तो 1:30 बजे इसकी शायद नींद आ गई, इसको थक गया था, बाकी जो दोस्त थे उनको रास्ते में छोड़ दिया वहां से, और फिर वापस अकेला आ रहा था। दो ट्रक खड़े हुए थे और उन ट्रकों को अगर वो नहीं मोड़ता, इधर उधर नहीं ले जाता उसको, गाड़ी को साइड राइट साइड में अगर नहीं लेके जाता तो ट्रकों में लगना था, ट्रक की लाइट जली हुई थी, इसकी नींद खुल गई अचानक, वो प्रभु की कृपा ही मानता हूँ मैं आपको, सच बता रहा हूँ दिल से। तो उसने राइट में जब टर्न किया तो बता रहा था कि एक पेड़ था वहाँ पे, पेड़ भी था, मैं गया था बाद में, जब मैं वो कब गया था वो भी मैं बताऊंगा, और जब इसने पेड़ से ज्यादा नीचे लेके गया तो गाड़ी गड्ढे में गई, गड्ढे में गाड़ी 3 राउंड लिए उसने, गाड़ी ने 3 राउंड लिए, उसका चेस वगैरह सब टूट गया, इंजन वगैरह सब टूट गया, और गाड़ी ऐसी थी। मैं खुद पहुंचा वहां पे, जब मैं बताऊंगा जब मैं कब गया था मुझे, तो मैं क्या हुआ, मैं नहाया धोया सुबह, हमें कोई पता नहीं था कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है ना। तो मैं मंदिर गया, हमारे यहाँ मंदिर है खाटू श्याम जी और हनुमान जी का, एक ही साथ है, और अपनी मनसा देवी जी हैं जो कोई किसी नाम से पूछते कोई किसी नाम से। तो मैं उनके नहा धो करके गया, डेली जाता था, और खाटू श्याम को भी मैं बहुत मानता हूँ उनको, और मैं वहाँ भी होके आया हूँ, जब रोते हुए गया था वहाँ से मैं हंसते आया हुआ था, ये सत्य है बिल्कुल। और अचानक उन्होंने बोला था, मैं मुझे कोई प्लान नहीं था, मैं घर से निकल गया पता नहीं कहाँ जा रहा था, मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, लेकिन मुझे, और उस टाइम पर 9:18 हो रही थी, तब मेरे दिमाग ने एकदम मोड़ लिया, बोला नहीं उधर ही चलता हूँ, अकेला था मैं, और कभी नहीं गया, और यहाँ से करीबन 320 किलोमीटर पड़ता है खाटू श्याम जी भरतपुर से, तो मैं अकेला चला गया, और घर वालों को किसी को नहीं बताया, फोन को स्विच ऑफ कर लिया था, और बच्चे बहुत परेशान हुए थे, और मैं, आप यकीन मानना, मैं प्रभु को उनको भी इतना मानता हूँ कि हमारे जो देवता हैं वो सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, नाम उनके अलग हैं लेकिन काम सबका एक ही है, और नाम जिनका जो प्रभु की जो महिमा है वो सब एक है। तो मैं 34 साल पुराने जो मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ पढ़े थे जम्मू में, जब मैं यहाँ से इंजीनियरिंग कर रहा था, EMIE कर रहा था, तो मेरे साथ में थे सीताराम और उनका नाम है क्या बोलते हैं भतीजा था, चाचा भतीजे दोनों थे, और वो रिंगस में उन्होंने बताया था एड्रेस था सर, लेकिन हमारे पास कोई एड्रेस नहीं रहा, मुझे याद था के पास 12-14 ट्रक थे दिमाग में जो मैं बता रहा हूँ आपको, और वो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं पहुंचा वहां पे, तो उनका जो एड्रेस था वो एक से पूछा, बोला यहाँ तो कोई नहीं है, दूसरे से पूछा तो उन्होंने बताया हाँ है। तो मुझे मतलब इतनी खुशी हुई वहाँ, जो कि मेरा जो दोस्त था वो बड़ा
खुश होता है, मतलब उसकी हंसी आज भी उसकी हंसी कोई बात करेगा तब भी हंसता है। और वो हंसी मुझे वहां पर उसकी दुकान पे मिली, वो दुकानदार दुकान खोली हुई है उन्होंने रिंगस के अंदर। मैंने कहा हाँ सरदार पहचान गए? बोला नहीं पहचाना, उन्होंने नहीं पहचाना मुझे, लेकिन मैं पहचान गया। मैं बोला आपकी जो हंसी है ना उससे पहचान लिया, तब मेरे को पहचाना कि हाँ मेरा नाम लिया उन्होंने। अरे विजेंद्र आप कैसे, 34 साल बाद हम मिले उनसे, मुझे बहुत खुशी हुई सब। और वहीं उनके वहां रुका मैं और दर्शन करके भी आए। ये बीच में मैंने ये टॉपिक ला दिया, लेकिन ये मेरे साथ ये भी एक वो है। तो मैं 8 बजे वहां से जब पूजा करके घर आया, क्यों ही घंटी बजी, मेरी मिसेज के पास फोन आया मेरे बेटे। वो रात भर उसने फोन नहीं किया, और वो सुबह जब फोन किया तो वो तो घबरा गई, बोला मेरा एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी अब क्रेन लेके आ जाए। मेरी मिसेज ने बोला ऐसे ऐसे बोल रहा है, तू कहाँ है और तू कैसा है? बोला मैं ठीक हूँ। फिर मैं सुन रहा था ये बात, तो जैसे ही मैं आया मैं बोला यार फोन दे मुझे। हाँ बेटे, मैंने कहा कहाँ है तू? बोला पापा ऐसे ऐसे एक ढाबा है उस पर हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी से। और मैंने कहा तू कैसा है? बोला ठीक है, तुम क्रेन लेके। मैंने बोला क्रेन व्रेन आ जाएगी, मैं आ रहा हूँ, मेरा एक साथी है यहीं पड़ोस में उसको लेके। मैं बोला यार ऐसे ऐसे बात है और मुझे चलना है अभी। बोला ठीक है चलो। तुरंत हम पहुंचे यहाँ से करीबन होगा 25-30 किलोमीटर, तो मैं वहाँ पर पहुंचा। मैंने देखा साहब गाड़ी की कंडीशन देख करके, उसको कूट करके, मतलब उन्होंने कूटा शीशे वगैरह को, और तब उस बेटे को निकाला उसमें से। एयरबैग दोनों खुल गए थे। और मैं पूजा करके, तो आपको पता ही है मैं पूजा करके हनुमान जी की आया था, तो उन्होंने वो अच्छा वो जो ढाबा है उनमें 2-3 बच्चे थे वहां पे, और ये भी वहां बैठा हुआ था। मैंने पहले सबसे पहले गाड़ी को देखा और इसको देखा, तो इनके यहाँ इस बच्चे के यहाँ इतना खरोच खरोच था, बाकी कहीं भी कुछ नहीं हुआ। 3 बदला लिए गाड़ी ने, और जहां से वो हुई थी बहुत बड़ी महिमा, मतलब मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं था। अब बताइए जिस घर में ऐसा हो जाए तो आप प्रभु ही जानते हैं। मैं बोला ये तो महिमा आपकी है, आपको ये मंजूर था कि ये बच गया, नहीं तो शायद हम तो बर्बाद थे। ये मेरा तीसरा अनुभव था, और अब मैं चौथा अनुभव आपको बताना जा रहा हूँ जी। चौथे अनुभव के मुताबिक मेरे पिताजी, मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे पिताजी हैं उनकी एज 90 साल के करीब है, और वो बीमार हुए थे। उनको मैं फर्स्ट, मेरा छोटा भाई और मैं दोनों लेकर के जयपुर गए। जयपुर गए, उन्होंने इलाज शुरू किया हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल भी अच्छा था। इलाज शुरू हुआ तो उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया वो हर्ट का, कि दर्द बताते थे, दर्द तो था नहीं, लेकिन वो डॉक्टर भी फाइंड आउट नहीं कर पाए। फिर हम दिखाया तो उनको फायदा हुआ कुछ, और हम वापस लेकर के आ गए। इसी तरह से मैं उनको 5 बार लेके गया, लेकिन 5 बार में उनको कोई फायदा नहीं हुआ। तो 2 वीक 1 वीक होना, और फिर उसके बाद फिर बीमार हो जाना। अब उसी दौरान मेरा व्रत भी चल रहा था, जिसमें मैंने 40 दिन सज्जो सतबार पाठ करे कोई छूटे बंद महासु कोई, तो मैं 40 दिन का ये व्रत किया था, जिसमें मैं 100 बार, चाहे मैं मेरे को कहीं भी मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ या घर पे हूँ, उस घर पे होकर के तो मैं बैठ करके हनुमान चालीसा अपना पढ़ता था, और मैं 100 बार हनुमान चालीसा करता था डेली 40 दिन तक, जिसमें मैंने ब्रह्मचार्य प्लस अपना खाना पीना जो था वो सादा, और बाल काटना नहीं, नाखून नहीं काटना, दाढ़ी वगैरह सब कुछ बड़ा हुआ था। जिसमें मैंने एक चित्र में आपको अगर देखना चाहेंगे तो मैं जो 100 दाने थे, मैं चने के दाने रखता था, एक हो चना रख दिया, दूसरा हो गया चना रख दिया, तो मैंने अपने प्रभु की वो मूर्ति भी बनाई है उसमें, और वो मेरे मोबाइल में है उसका फोटो, दो फोटो जो 100 दानों से वो हनुमान जी की, ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी बैठे हो, उनका मुंह चेहरा दिखाई दे रहा हो, ये प्रभु है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। फिर मैं जब पिताजी को 5 बार लेके गया नहीं हुए, जब 6ठी बार मैं लेके गया वहां पे पहुंचा, और ये व्रत मेरा चल रहा था, मैं गाड़ियों के बीच में जाकर के बैठता था, और वो जो ये रोरी गिट्टी जो नहीं होती जो सड़क की, उनको गिन करके मैं 100, और तब मैं वहां पर बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ता था पूरा। मेरा भाई था वो वाला, वो बोला क्या कर रहे हो इधर? बोला कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे बैठा हूँ, पेट पीछे चलता था। और मैं जब फिर बोला कि डॉक्टर ने बुलाया है, मैं बोला ठीक जाता, और फिर वापस चलता रहता था, जेब में रखता था, और वहाँ बेड पर जाकर के खड़े होकर के भी मैं, आवाज नहीं आती थी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास भी बोलता था, मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, मेरा अनुभव बता रहा हूँ। तो जब देखा कि पिताजी ठीक नहीं हो रहे, मैं बोला डॉक्टर साहब को, मैंने साहब पिताजी को मैं 6ठी बार लेके आया हूँ, और काफ़ी 1 बार का आने जाने का अगर मेरे पास वाहन है, अगर नहीं होता तो 7-8 बार 7-8 हज़ार रुपये 1 बार में जाने के लिए लगते हैं, बाकी तो इसी चेत का था। तो बोला कि नहीं
अब ऐसा है, मैं फिर दोबारा देख रहा हूँ कि अगर हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है तो एंडोस्कोपी करते हैं, हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम आए। तो एंडोस्कोपी जब किया तो उसमें प्रॉब्लम थी। छठी बार में जब ये सब कुछ चल रहा था मेरा व्रत, तो छठी बार में बोला एंडोस्कोपी में प्रॉब्लम है, और जब उन्होंने एंडोस्कोपी में दवाई दिया तो वो मेरे पिताजी बिल्कुल आज भी सही है। अच्छा, दूसरा मैं फिर पिताजी के ऊपर ही दूसरा अनुभव बताऊंगा मैं आपको, जो जब मैं लेके गया तो उनको अभी एक महीने डेढ़ महीने की बात पहली बात है, मैं उनको जब लेके गया तो उनके हार्ट में और लंग्सों में पानी भर गया था, और ये बात मुझे पता नहीं थी। तो मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और ऑफिस में मेरे जो साथी थे उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो, मैं बोला सर पिताजी बीमार हैं, उनको मैं दिखाने ले जा रहा हूँ। ये शाम का 5 बज रहे थे करीब, मैंने अपने एक्शन साहब को बताया, बोला ठीक है अब निकल जाओ। तो एक हमारे बुजुर्ग हैं अभी जो आफ्टर रिटायरमेंट 60 साल के बाद लग जाते हैं, उन्होंने बोला वो भी पेट से प्रॉब्लम थी, बोला हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं वो फलाने डॉक्टर हैं उनके पास जाओ हॉस्पिटल में, उससे बड़ा यहाँ पे कोई नहीं। मैं बोला ठीक है, मैं उन्हीं के पास लेके गया पिताजी। तो पिताजी काफी मतलब सांसें फूल रही थी उनके, पेट में ना खाने में मतलब खाना अच्छा लग रहा था ना खाने में भूख लग रही थी उनको, पेट फूला जा रहा। उन्होंने मुझे दिखाया तो लेट रही हो रहे थे वहां, जब करीबन 30 मीटर का गैप था हॉस्पिटल से जहाँ पे लेटे हुए थे, तो मैं वहां तक गया तब भी उनका सांस फूल गया। मैं बोला ऐसा तो पहली बार हुआ है, तो मुझे पता नहीं था कि इनके पानी भर गया है, मैं सोच रहा था खाने पीने का कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जब हॉस्पिटल में अपना पर्ची वर्ची कराया, डॉक्टर साहब 5 बजे की बजाय 7:30 बजे आए थे, 7:30 से और 9 बजे तक उन्होंने अपना जो चेक किया लास्ट में, और मेरे बुला करके कहा अगर आप इनको लेके अभी अगर नहीं गए रात भर आपने रोक दिया तो आपके पिताजी की जान जा सकती है, ऐसे मुझे डॉक्टर साहब ने बोला। तो मैं बोला हमने मैंने और मेरे भाई ने डिसाइड किया, मैं बोला ठीक है सर हाँ अभी टेस्ट है वो हो गए पूरे और हम चले यहाँ से। बोला ठीक है आपका पूरा क्लोज है यहाँ से था, और अब जल्दी जितना हो सकता है चले जाइए। तो मैं विदिन आधे घंटे में सब कुछ घर आया गाड़ी लेके, और फिर वापस मूवमेंट कर दिया हमने यहाँ से जयपुर के लिए। और हम जब वहाँ 12:30-1 बजे जाकर के हमने एडमिट कराया हॉस्पिटल में, और करीबन 8-10 दिन रहे थे। जब 8 दिन हुए उनको तो मेरे पिताजी काफ़ी परेशान थे, और मैं प्रभु की आराधना अभी भी डेली 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना रामायण पढ़ना ये मेरा डेली का है, जब तक मैं नहीं करूँगा मुझे चैन नहीं पड़ता। मैं और मैं बच्चों को भी बच्चे भी जानते हैं इस बात को, तो लेकिन मेरे लिए ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चे कुछ हैं मेरे एक बड़ा है वो बोलते हैं कि लहसुन वगैरह खा सकते हैं ये करते हैं, मम्मी बोला तुम कुछ भी करो मैं नहीं करूँगा, तो मेरे लिए मैसेज अलग बनाती है उसमें से निकाल के अलग कर लेगी। या कभी कभी ये बोलते बोला ठीक है रहने दो सबको खाने की जरूरत नहीं है लहसुन मत डालो सबको ऐसे ही कर दो तो वो चल जाता है। या फिर बाजार से कोई सामान मंगाता हूँ तो वो बिना लहसुन का होगा, या फिर जहाँ लहसुन होगा तो मैं खाना उसमें जगह पर नहीं खाता। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे में चाचा के लड़के हैं वहाँ पे पुलिस में, वो उनके पास में रहते थे, तो उन्होंने उनकी मिसेज को हमने बता दिया था। ये फर्स्ट दिन तो पता नहीं था तो मैंने नहीं खाया, मैंने कहा जो भी अचार है या कुछ भी है मैं खा लूँगा आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, ये तो मेरा वो है तो आपको परेशान नहीं होना है। तो मैं लेकिन वहाँ पूजा वहाँ भी करता था उनके यहाँ, वो भी काफ़ी पूजा करते हैं, तो मैं पूजा किया अपना। और मैंने जब एक दिन जब मैं बुलाया मुझे तो मेरे पिताजी क्या है कि चारपाई पर रुकते नहीं थे, उनको उखाड़ देना और उनके पैर हाथ बांध करके उनको रखना। हाँ बोल मतलब दिमाग थोड़ा सा क्यों कमजोरी आ गई थी वो जब हाँ दूसरे दिन जब उन्होंने वो अपना ये लिखित में जो मैंने दिया था कि डॉक्टर ने मांगा कि भाई अगर हम हार्ट से पानी निकालेंगे हार्ट के आसपास का जो पानी निकालेंगे तो उसमें जान जा सकती है, अगर नीडल टच हो गई तो हार्ट बहुत खतरनाक चीज है, आप अगर कहें तो ऑपरेशन होगा नहीं तो नहीं कर सकता। मैं बोला अभी भी जा रही है जान तो आप लिख जो भी कुछ लिखवाना है मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, बाकी ऊपर वाला फिर हुआ मैं ऐसे बोला जो भी कृपा होगी वो मुझे मंजूर है आप कर। तो डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है आप तैयार करो, उनको बोला अपने कंपाउंडर वगैरह को और बोला हम निकालेंगे। फिर उन्होंने निकाला सही हो, काफ़ी कमजोर होने से याददाश्त भी उनकी कमजोर हो गई थी तो काफ़ी परेशान थे। मेरे को बोला यहाँ से तू मुझे ले चल, क्यों मरवाना चाहता है, और नहीं मार नहीं तो तू ऐसा कर मुझे जहर दे दे, इनसे जहर का इंजेक्शन लगवा दे जिससे मैं मर जाऊँ। मैं काफ़ी दुखी था मैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। मैं बोला पापा मैंने काका ऐसा करो आराम से रहो कोई दिक्कत नहीं है, इंजेक्शन वगैरह लग रहे लेकिन ठीक हो जाओगे तुम। तो जब इंजेक्शन यहाँ से खींच दिया उन्होंने तो ये काफी क्रिटिकल होता है जिस जगह वो लगा रहे थे, तो मेरे पिताजी मतलब ऐसे कर रहे थे जैसे कि मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ। आप विश्वास नहीं करोगे साहब, मैं जब वापस गया शाम को वहाँ रहती नहीं थी तो हम चले गए, तो मैंने
मैंने वहां पर जाकर के प्रार्थना करी प्रभु, मैंने कहा अगर मैं थोड़ा बहुत भी आपका स्मरण करता हूँ तो मेरे पिताजी को आप एक दो दिन में वहां से निकाल दीजिए, चाहे वो या तो भगवान को प्यारे होकर निकाल दें या फिर उनको ठीक। मैं अपने दिल में ये सोच करके वहां से फिर सुबह दोनों भाई, आप यकीन नहीं करोगे साहब, मैंने पूछा डॉक्टर साहब, मैं बोला साहब पिताजी का अभी बताइए अब क्या हाल है, बोला हार्ट का मैंने पानी निकाल दिया है जो 20-20 ग्राम निकल रहा था, पहले तो 750 ml के करीब निकाला था, बोतल भरी हुई, मेरे पास फोटो है उसका, बोतल निकाली है, वो तो निकल गया, लेकिन 3 दिन लगातार 3-4 दिन जब रहे थे वो तो 20 ml हर 2 घंटे के बाद निकलते थे, वो पानी बन रहा था उसमें। बोला अब पानी बंद हो गया है, और जो लंसों में एक लंस से पानी निकाला था अगर उससे भी निकालते तो शायद हो सकता था काफी खतरा हो जाता है, इसलिए कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई, एज बहुत ज्यादा है, तो वो भी पानी सूख गया है, और पानी इंजेक्शन से निकाला है वो भी मतलब सूख गया, और ये जो पानी जिसमें था वो दवाई से सूख गया है, और आपके पापा अगर आप लेना लेके जाना चाहते हो तो आप कल लेके जा सकते हो। मुझे बहुत खुशी हुआ, मैं बोला ऐसा हो सकता है क्या, बोला नहीं बिल्कुल, अगर आप रोकना चाहें तो हम एक दिन और रोकेंगे, क्योंकि अभी जो मेडिसिन वो चल रही है आपकी इंजेक्शन पर चल रहे हैं, और आप अगर मेडिसिन पर ये कल तक टेबलेट पर आ जाएंगे। मैं बोला चलो ठीक है एक दिन, कोई बात नहीं, वो प्रभु की लीला है, तो एक दिन में इतना जल्दी करना ठीक नहीं है, लेकिन जब इतना समाचार सुन लिया तो सब कुछ ठीक ही है, 2 दिन का मैंने भी वायदा किया, प्रभु ने ऐसा किया साहब कि मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, दूसरे दिन मैं बोला अब कोई तकलीफ है कुछ है पिताजी, कुछ नहीं है, अब मैंने डॉक्टर साहब से बोला साहब छुट्टी दे दो, जो कुछ होगा देखा जाए, बड़े दोनों भाइयों ने डिसाइड किया, बोला ठीक है चलते, शाम के टाइम डिस्चार्ज कराया साहब, और पिताजी अभी भी ठीक है और मेडिकल चल रही है लेकिन बिल्कुल ठीक है। तो क्या उम्र है उनकी? उम्र है करीबन 89-90 के आसपास है, हाँ बिल्कुल, और अभी भी ठीक ठाक है, मदर भी है, मदर की तो एज उनसे भी ज्यादा है लेकिन मदर बिल्कुल और भी सही है उनसे भी, प्रभु की कृपा है भैया, मतलब प्रभु आपसे प्रसन्न है, आपकी हर कदम पर आपकी आपकी हर प्रार्थना को वे सुन रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हर अनुभव में मैंने देखा, पहले 2 अनुभव आपके रिलेटेड थे, फिर आपके बेटे के रिलेटेड थे, इतना बड़ा इतनी बड़ी दुर्घटना, इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी मात्र थोड़ी सी खरोच आई अपने बेटे को, ये कहीं ना कहीं प्रभु आपकी हर कदम पर सुन रहे हैं, और आपकी भक्ति का फल आपके परिवार को भी मिल रहा है, आपकी प्रार्थना वे सुन रहे हैं, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आपने एक बात कही थी पहले, जैसे बागेश्वर धाम आप पहली बार गए थे, वहां पर जाके मतलब आपने मतलब वैसे तो नॉनवेज वगैरह नहीं खाते थे मगर प्याज लहसुन भी आपने छोड़ दिया था, बागेश्वर धाम जाकर आपने खा, तो बागेश्वर धाम जब आप पहली बार गए प्रभु के दर्शन करके कैसा लगा आपको? मुझे जेस भाई इतना अच्छा लगा, मैं आपको ये बखान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बच्चे भी साथ में थे, मेरी मिसेज तो सुबह बोली अभी चलते हैं जल्दी, मैं बोला नहीं मैं पहले पूजा करूंगा एक परिक्रमा दे करके और तभी चलूंगा और बंधाऊंगा, बच्चे तो लड़का भी बोला वो नहीं नहाया, बोला नहाने के लिए कोई प्रॉब्लम है, इतनी समस्या क्योंकि वहां पर इतना फैसिलिटी नहीं है, मैंने बोला फैसिलिटी से मुझे मतलब नहीं है, मैंने नहाना है, और मैं परिक्रमा 21 परिक्रमा करते हैं वहां पे, और फर्स्ट बार 5 ही परिक्रमा करके आए थे, 5, क्योंकि लड़का भी परेशान हो रहा था विशेष, क्योंकि यहाँ से फोन चला गया था, कोई फोन गया बच्चे का और वो बोले ज्यादा पर, मैं बोला मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप चाहे 21 दो चाहे 5 दो, और मैंने तो अपने दर्शन कर लिए और मैं चलता हूँ यहाँ से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत फील वो हुआ था, खुशी अच्छा। इसके बाद मैं दूसरी बार जब गया तो हमारे बालाजी यहाँ से 84 किलोमीटर है, मेहंदीपुर बिल्कुल, मैं बच्चों को बताया नहीं और मैं वहां पर चला गया, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में और बागेश्वर बालाजी में सिर्फ फर्क इतना है कि वहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जो गुरु जी हैं वो दरबार लगाते हैं, यहाँ पे कोई दरबार नहीं लगाते, बाकी है एक ही चीज अच्छा, फिर कंटिन्यूस रखने के लिए, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो कंटिन्यूटी टूट जाएगी, मैं वो कंटिन्यू वहाँ नहीं जा करके यहाँ चलता हूँ, फिर 3-4 महीने हुए फिर चला गया, तो ये तुम तो मतलब बिल्कुल ही गरस्त को छोड़ दिया क्या, क्या चक्कर है इस तरह से मेरे को बोला, बोला नहीं मेरी लगन है, मुझे पास हो चुका है, और तभी ये जो मैं आपसे जो वीडियो में शेयर कर रहा हूँ ये एक दिन में नहीं आ गया है, ये पता नहीं आपको पता होगा नहीं होगा, मुझे साल भर से शायद मैंने इसको डाला था, मैं बोला पता नहीं सुनते नहीं है शायद प्रभु की कृपा है, और मैं भी डालता था,
और मेरी जो ये मेल है वो अलग है, जिसमें मेल पर मैं शेयर करता हूँ, और इसकी जो आईडी है वो अलग है। तो मैंने कहा हो सकता है कोई प्रॉब्लम, लेकिन प्रभु की कृपा से ये मुझे शेयर सौभाग्य है। अपने चीजें बता करके दूसरों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रभु से जुड़ेंगे तो आपका भी भला होगा, और गलत तो हो ही नहीं सकता, मतलब आपकी हर जगह मदद ही होगी और मदद करेंगे। क्यों? कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई। कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं, और वे तो हर जगह है। आप बागेश्वर धाम बालाजी के स्वरूप में उनकी भक्ति करें, या मेहंदीपुर बालाजी में, या फिर आपके घर पर ही बालाजी का जो स्वरूप है, हनुमान जी का जो स्वरूप, उनकी भक्ति करें। वे हर कदम पर आपके साथ हैं, वो विश्वास रखें, और वे आपकी सरल भक्ति से ही वे प्रसन्न होकर आप पर विशेष कृपा कर रहे हैं। वो डेडिकेशन है आपके अंदर कि बस मैंने सरेंडर कर दिया है, उनके चरणों में शरणागत हूँ, अभी जो करना है आपने करना है, मुझे तो संभालो, मेरे परिवार को भी आप संभाल रहे हो, आपके बेटे की रक्षा की, प्लस आपके पिताजी की भी, देखिए कितनी बड़ी कृपा हुई, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव और बताना चाहता हूँ, उसको आप रखे ना रखे वो आपकी मर्जी है। मैं सर्विस करता था यहाँ पे अभी डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे एक अपने साथी हैं, साथी तो नहीं कह सकते लेकिन वो हमारे कॉन्टेक्ट में है, और उनका लड़का MBBS करके आया था रशिया से, और वो 3 बार फेल हो गया MCI में, जो अपनी MCI टेस्ट होता है ना, वहाँ से विदेश जाते हैं। 3 बार किसी बोला साहब वो आया, जब पहली बार फेल हुआ तब भी उसने बताया साहब लड़का पास नहीं, दूसरी बार फेल हुआ, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने में इनका टेस्ट लगता है उसका, तो नहीं हुआ, बोला नहीं हुआ होगा साहब कोई बात। फिर तीसरी बार उसने बोला साहब आपकी बार 8 नंबर से रह गया, बड़ी समस्या है। मेरा समस्या क्या है? समस्या यह है कि संबंध वाले भी कोई नहीं आ रहे, लड़की 32 साल से ऊपर क्रॉस हो गई, MBBS उसने किया लेकिन संबंध वाला भी कोई नहीं आ रहा है, और घर परिवार भी परेशान है, बड़ा एक बेटा है वो टीचर है, वो भी उसको आदत है नशे की, और नशा भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं बोला मैं वो जानते हैं कि ये मतलब भजन करते हैं उनका, मैं बोला मैं कहूँ वो करोगे तो आपका बेटा भी पास हो जाएगा और वो भी दारू छोड़ देगा, लेकिन जो मैं कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। बोला आप जो कहेंगे साहब मैं ये सत्य बता रहा हूँ आपको, ये अभी अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, ये है करीबन जून या जुलाई में शायद उसके बच्चे का रिजल्ट आया था चौथी बार, और ये अप्रैल की बात है जी। मैं बोला साहब आप बताइए, तो मैंने जो अर्जी लगाते हैं बागेश्वर धाम की, और हम तुम्हारे तुम हमारे, बाकी तुम्हारी मर्जी है वो करोगे, मैंने उसको सब लिख करके दिया। मैं बोला अर्जी लगानी है और अपने बेटे को लहसुन प्याज मांस मदरा नहीं खाएगा, और व्रत करेगा और हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, और ओम बागेश्वराय नमः इसको एक माला करेगा, और अर्जी जाके मंदिर में अपने लगाएगा, जब अर्जी आपकी मुराद पूरी हो जाए तो बागेश्वर धाम जाना है लेके अर्जी को। बोला साहब मैं बिल्कुल लगाऊंगा, और उस दिन था शायद, मुझे लगता है शुक्रवार था शायद, तो मैंने कहा मंगलवार को आपने ये करना है, और उन्होंने किया साहब, और मैं पूछता था बीच बीच में चल रहा है, बोला साहब चल तो रहा है। मैं बोला मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको, आपके बच्चे को कोई रोक नहीं सकता, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, मैं बोला आपके बच्चे को कोई रोक नहीं सकता, वो पास होगा, अगर वो पेपर में कुछ नहीं लिखेगा ना तब भी वो पास होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर उसने जो मैंने कहा है वो कर दिया तो। रात को 10 बजे मुझे फोन आता है उसके पिताजी का, मैं बच्चों के साथ था, उसने बोला साहब आपने जो दावे के साथ कहा था उसमें मुझे नाज है, ऐसे बोला वो, और मेरा बेटा पास हो गया। मैं बोला मैं बोलने वाला मैं नहीं हूँ, वो तो करने वाले किया है, मैं तो एक सिर्फ मीडियम था आपको बताने वाला, बोलना चाहिए कि आपको मैंने बताया आप दुखी थे, हो सकता है प्रभु की कृपा हो, टाइम हो गया आपका दुखी होने का भी, तो मिल गई। अब बोल साहब वो हो गया पास, फिर ऑफिस में आया मिठाई खिलाया, मैं बोला सबको मार दो मेरा हक नहीं है सबको, उसने बहुत खुशी हुआ। अच्छा उसका जो बच्चा था ये मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि ज्यादा उस पर बच्चा था, वो इतना शराब में वो था कि गाड़ी को भी छोड़ करके आ गया, सब कुछ करके आ गया, तो ड्यूटी कर रहा था वो गुजरात में, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, ड्यूटी पे नहीं जा रहा था दारू की लत की वजह से। अब जो लड़का पास हुआ चला गया दिल्ली तैयारी के लिए करेगा, लेकिन वो वापस आ गया, बोला अगर दारू पिएगा तो ये नहीं रहेगा तो मैं नौकरी वोकरी देखी जाएगी MBBS कुछ नहीं। मैं बोला अर्जी, बोला हाँ
मैं बोला मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये लड़का भी आपका छोड़ जाएगा और आप बिल्कुल चिंता मत करो, लेकिन आपने नियम को तोड़ना नहीं, लहसुन प्याज नहीं खाना है, नहीं खाना है, और व्रत आपने हनुमान जी का पाठ करना है। बोला ठीक है। फिर क्या हुआ साहब, वो लड़का जो है, हमें 11 अक्टूबर बागेश्वर गए, ये जो अक्टूबर है मैंने रिजर्वेशन करा दिया था और हम तीनों गए, उसमें एक और है हमारे साथ ही, वो और वो भी ठेकेदार जो उनको जो जिनका लड़का था, मैं बोले उन्होंने कि हम चल आपने चलना है, बोला हाँ बिल्कुल चलना है। हम तीनों गए वहाँ पे बागेश्वर और वो अर्जी वगैरह जो लगाई थी उसकी मनोकामना पूरी हो गई। उस दिन जब हम 11 को जा रहे थे तो उसको लड़के को दारू 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए थे, मतलब दारू 4 दिन पहले उसने छोड़ी थी, 11 तारीख का मतलब है कि 7-8 तारीख में उसने वो छोड़ी थी उसने। अब बोला वो भाई जो डॉक्टर जो पास हुआ था वो उसके साथ रह रहा है और उसके फोन आ रहे हैं दोस्तों के, ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं और वो दोस्तों के फोनों को अटेंड नहीं कर रहा है। मैं बोला फिर बोला अब देखो क्या होता है भगवान के पास, उसको बोला कि तुम चलो, लड़के को बोला था, बोला नहीं पापा आप जाइए और मैं पहले उसको छोड़ता हूँ फिर चलूंगा मैं बाद में। आज वो अभी नवंबर आज 13-14-15-17 हो गया आज, और वो अक्टूबर की बात है, अभी तक उसने हाथ नहीं लगाया था मुझे और वो बिल्कुल छोड़ गया, टूटी हुई था वो। तो ये अगर कृपा नहीं है तो क्या था? बहुत बड़ी कृपा है, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, आपका जो विश्वास है प्रभु पे, और आप किसी को गाइड भी कर रहे हैं ना उस विश्वास से कि नहीं प्रभु है आप ये करें, आपने थोड़ी कोई गलत चीज कही किसी ने, आपने भी सरल भक्ति का ही मार्ग कहा, सात्विक कैसा रहना है, प्रभु पर विश्वास कैसे रखें, ये पाठ करें, ये मंत्र जाप करें, तो प्रभु ने आपके विश्वास की लाज रखी, उन्होंने एक भक्त के विश्वास की लाज रखी कि देखिए कहीं ना कहीं आप भी एक मीडियम, चलिए निमित्त बने, एक पुण्य का कार्य कर रहे हो ना, आपको देख कर आपके आपने जो कहा उस पर भरोसा करके अगर कोई प्रभु की शरण में जा रहा है कितनी बड़ी बात है। उन्होंने उनके पिताजी ने आपको फोन करके क्या कहा देखिए कि नहीं ये काम कर गया, ये प्रभु पर देखे, आपको देखकर वे बागेश्वर धाम गए, एक बच्चे का रिजल्ट अच्छा आया, दूसरा बच्चा व्यसन छोड़ रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात। धन्यवाद भैया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुभव आपने शेयर किया, और कहीं ना कहीं आपके इन अनुभव को देखकर कहीं ना कहीं किसी के सवाल का जवाब मिलेगा, वे देख आपके अनुभव को देखकर वे प्रभु की शरण में जाएंगे, कितनी बड़ी बात। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे, और बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? मुझे इतनी अच्छी प्रेरणा मिली कि मैं भी ये सोचता था, ये जो वीडियो डालते हैं, जैसे कोई एक डॉक्टर था जिसने गंगा जल छिड़कता था, वो वीडियो आया था और वो लड़के को होती थी और वो गंगा जल छिड़कता था तो सही हो जाता था, ऐसा एक वीडियो था। इसके बाद जो शक्तियां जो दूसरों पे छोड़ देते हैं, परिवार पे, कोई परिवार का छोड़ रहा है, ये लेडीज वगैरह का जो मतलब मैंने बहुत नॉलेज इससे ये सीखा कि हाँ है प्रभु। लोग अब मैं करता था पूजा, लेकिन बोला यार पूजा कर ली लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, ये मुझे नहीं मिल रहा, मुझे पता नहीं चलता था, आपके वीडियो से मुझे ये बहुत कुछ मिला। दूसरा बागेश्वर बालाजी महाराज से, जिनको मैं गुरु मान चुका हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी को मान चुका हूँ, अगर मैं सुन रहे हो तो मैं उनको गुरु मान चुका हूँ, लेकिन अभी दीक्षा मिली नहीं है मुझे और मैं वहाँ पे 2 बार रुक के आ गया हूँ, एक बार दो भी जा रहा हूँ गया, अभी फिर है जाने का काफी। मैं बोला तो हम वहाँ पे जाकर के राम राम जो 3 दिन रहे वहाँ तीनों, मैंने अब ये 27 वाली माला लीजिए और राम राम जपिए, आपको तुरंत बुला लेंगे वो। और अच्छा दूसरा, हमें कोई मौका नहीं था क्योंकि हम जब गए थे तो ये नवरात्र खत्म हो रहे थे, तो 7 दिन का उनका मौन व्रत था, देखिए आप सुनिए, 7 दिन का मौन व्रत था। हमने कहा वो दर्शन तो होंगे नहीं क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड है, लेकिन जब लास्ट दिन हम जब वहां से जिस दिन हम 12 तारीख को उनका खुला और उन्होंने अनाउंस किया, उस दिन शनिवार था, तो उन्होंने किया मैं दरबार लगाऊंगा। मैंने कहा ये भी मैं अपने साथियों से कहा, मैं बोला देखो ये भी प्रभु की लीला है कि उनके दर्शन तो हो जाएंगे कम से कम, और वास्तव में हुए। रात को 9 बजे हम बैठे रहे, वो बोल रहे इतना टाइम दिया इतना आए नहीं, जो साथ वाले थे उनको थोड़ा सा वो हो रहा, मैं बोला देखो डाउट नहीं करना वो आएंगे जरूर, कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ेगा, मैं यही बोला उनको, वो आए, हमने उनके दर्शन किए और सुबह हम वहां से परिक्रमा देके प्रभु के दर्शन करके और वहां से आ गए थे वापस। अद्भुत लीला, थैंक यू वेरी मच भैया। ये कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा ना, एक दूसरे के अनुभव देखकर कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है, हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलते हैं। और हम क्षमा चाहते हैं, जैसे आपने कहा बहुत टाइम पहले आपने मैसेज किया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कई बार इतने ज्यादा मैसेजेस आ जाते हैं तो वो आप रिक्वेस्ट भेजते हो और वो रिक्वेस्ट कई बार वो पेंडिंग चली जाती है इंस्टाग्राम पे, आपको पता है, जब और तब तक बाकी और भी हजारों मैसेजेस आ जाते हैं। तो जो भी भक्त आज इस सेशन को देख रहा है, अगर आपने मुझे मैसेज किया है, अगर आपको अपना अनुभव शेयर करना है और बाई चांस मेरा रिप्लाई अब तक नहीं आया है और आप उस पर और रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे ईमेल के माध्यम से मैसेज करें और आपका इंस्टाग्राम आईडी भेजें, मैं अवश्य आपको रिप्लाई करूंगा और आपके अनुभव जानूंगा। धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच भैया, बहुत ही प्यारे अनुभव शेयर किए। जाने से पहले एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा, फिर सेशन को एंड करेंगे। देखिए वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? मैं वन लाइन में, मेरे पास जो भी है बालाजी का ही दिया हुआ है और जो ज्ञान है मुझे, मैं सोचता था याद नहीं होता था, लेकिन अब सब कुछ याद हो गया है। और मैं आपको दुआ सुनना चाहे दुआ भी बता सकता हूँ। और ये मेरा अनुभव रहा है प्रभु से कि जैसे मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूँ, चलत विमान कुलाल हुई जय रघुवीर कहत सब कोई। पहला तो ये है अनुभव कि जब अगर आप ये प्रसंग है रामायण का, जब भगवान रावण को वध करके वहां से जब आ रहे थे अपने निवास के लिए, तब वो विमान में बैठे थे और ये चौपाई लिखी हुई है उस टाइम की। तो आज के जमाने में उन्होंने बताया हुआ है कि इस चौपाई को गुरुजी ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, कि अगर गाड़ी में आप बैठ रहे हो और इस चौपाई को आप बोलोगे तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता, और ये सत्य है, ये मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। दूसरा है ओम नमो हनुमते रुद्र अवतारा सर्व शत्रु संघाड़ा सर्व रोग हराय सर्व सिकणा राम दूताय स्वाहा, ये मेरा मंत्र है। दूसरा और भी एक जो मेरे डेली जो मैं जिनको मैं बोलता हूँ, ओम हनुमते दुखभंजन अंजनी सुत केसरी नंदन राम दूत संकट भूषण सत्सत बंदन कोटि नमन, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हिदरा कौशलपुर राजा करण सुधारिप करे मिताई गौपुर संदन सताई, ये बहुत बड़ा एक रामायण का मंत्र है जिसको आप बोलेंगे तो चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप कोई भी कहीं भी जा रहे हो अपनी जगह से दूसरी जगह पे, तो इस मंत्र को बोलेंगे तो बताते हैं कि भगवान को आप स्मरण करके कोई भी काम करोगे तो वो आपका सफल होगा। बिल्कुल, किसी भी कार्य में अगर हम प्रभु को प्रमुख रखकर वो कार्य करेंगे तो हर कदम पर प्रभु आपका साथ देंगे और कभी वो कार्य असफल नहीं जाएगा, वो विश्वास है क्योंकि प्रभु आपके साथ है। धन्यवाद भैया, बहुत ही प्यारे शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का बखान किया, हम धन्य हो गए आज, मतलब हृदय गदगद हो गया, मतलब अलग अलग तरह के अनुभव जाने, सत्संग सुना आपके मुख से, बहुत अच्छा लगा। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहां कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन भैया थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।